Strange Bus News Real Time. एनआरसी के विरोध में जैप और वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ में सड़क जाम कर किया आगजनी। बाढ़ केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के बाद देश में चारों ओर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रतिदिन ट्रेन से लेकर बसें तक जल रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं। इसी क्रम में बाढ़ में अकबरपुर चौक के NH 31 सड़क पर NRC के विरोध एवं देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जन अधिकार पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ शहर में घूम घूम कर विरोध प्रदर्शन कर किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इस संदर्भ में VIP पार्टी के बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इकाई अध्यक्ष अरशद रहमान ने कहा कि केंद्र सरकार देश में NRC लागू करके हिंदू मुस्लिमों भाइयों को बंटाधार करना चाहती है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष श्यामदेव सिंह चौहान ने कहा कि पूरे बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं चरम पर है, जिस पर अंकुश लगाने में नीतीश सरकार नाकाम है। इस साथ ही केंद्र सरकार के NRC पर भी विरोध जताया। ब्रजकिशोर पिंकू के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। आज जो है जिस तरीके से देश के ऊपर में एक ऐसा कानून थोप दिया गया है, इसके माध्यम से आज हम सबको एक दूसरे से पराया करने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। हम इस बिल का पुरजोर तरीके से मुखालफत करते हैं कि हम किसी भी हालत में देश को बंटने नहीं देंगे। जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पे आपने देश को बांटने की कोशिश किया, लेकिन जब फैसला आया तो इसको हिंदू और मुसलमान सब ने मिल करके एक साथ गले से गले मिल करके इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम सब भाई भाई हैं, चाहे मंदिर रहे या मस्जिद रहे, ये मामला ही ख़त्म हो गया था। लेकिन BJP की जो असल मुद्दा है हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग करने का, ये फिर इसने NRC, CAB और CCA लगा करके जो है इस तरह का मुद्दा करके जो है अरशद रहमान, VIP पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इकाई बिहार।